الرصد الآلي للمخالفات التالية: مخالفة القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها. नमस्कार सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे। दोस्तों आज मैं सऊदी अरब में जितने भी मेरे ड्राइवर लोग रहते हैं जो गाड़ी चलाते हैं छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक जितने भी भाई लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी खबर लाया हूँ। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बन रही है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को खबर अच्छी मिलेगी। दोस्तों सऊदी अरब के मुरूर की तरफ से एक नया निर्देश, एक आदेश जारी किया गया है, एक वीडियो जारी किया गया है। उस वीडियो में सख्त आदेश दिया गया है, जितने भी अजनबी या सऊदी या गैर सऊदी कोई भी हो जो ड्राइविंग करता है गाड़ी चलाता है, तो उन लोगों को दोस्तों गाड़ी चलाते वक्त बहुत सारी बातें हैं जो 5-6-7 ऐसे नियम हैं जो रूल हैं जो उस पर बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है कि वो आपसे मिस्टेक ना हो। अगर दोस्तों आपसे मिस्टेक होता है तो आप लोगों का जो तनख्वाह है दोस्तों वो तनख्वाह आपका यहीं रह जाएगा, उससे डबल आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा जिससे आपको समस्या हो सकता है। दोस्तों क्या है नियम आपको मैं बता दूँ कि सऊदी अरब में मरूर की तरफ से आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि सऊदी अरब से मरूर ने यह आदेश जारी किया है कि जब रोड पे जो कैमरा लगा रहता है आप लोग देखे होंगे वो उस कैमरे का दोस्तों इससे लगा हुआ है कि अगर आप लोग सीट बेल्ट नहीं यूज कर रहे हैं या मोबाइल से बात कर रहे हैं तो दोस्तों आपका मुखालफा आ सकता है 150 से लेकर 500 रियाल तक। दोस्तों जो दूसरा मुखालफा आपका आ सकता है जो कैमरा जो आपका इशारे पर जो कैमरा लगा रहता है, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे जो गाड़ी आप लोग चलाते हैं तो जो लाइन जो बने रहती है इशारे पे उस इशारे को लाइन को टच नहीं करना। दोस्तों अगर उस इशारे के लाइन को टच करते हैं तो 3000 रियाल तक का मुखालफा आ सकता है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करिएगा। तीसरा दोस्तों आपका है पार्किंग का। पार्किंग में दोस्तों अगर आप लोग गलत जगह पे गाड़ी पार्क करते हैं जहाँ पे ममनून है मनाही है पार्क करने के लिए, वहाँ अगर आप लोग गाड़ी पार्क करते हैं तो दोस्तों 150 से लेकर 500 रियाल तक मुखालफा आ सकता है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जो बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पे वहाँ दोस्तों जो रोड के बगल में जहाँ बस स्टैंड टाइप में होता है जहाँ पार्किंग का जो प्लेस होता है वहाँ दोस्तों रेड पट्टी लगी रहती है, रेड पट्टी। दोस्तों वहाँ पे अगर आप लोग गाड़ी लग जाते हैं तो 100 रियाल से लेके 50-150 रियाल तक लगभग आपको मुखालफा आ सकता है। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। और अगला जो नियम है दोस्तों आप लोग ध्यान दिए होंगे जब रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं तो दोनों तरफ पट्टी रहती है येलो कलर में, पीली कलर में। दोस्तों अगर आप लोग उस पीली पट्टी पे बहुत दूर तक अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं, ऐसा नहीं कि भाई आपको अगर राइट साइड मुड़ना है तो आपको तो उस पट्टी से गुजरिएगा, लेकिन अगर उसी पट्टी पे आप कुछ दूर तक अगर जाते हैं और पुलिस ने आपको देख लिया तो दोस्तों मुखालफा उस पर है। तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। बड़ी गाड़ियों के लिए दोस्तों एक नियम निकला है जो ट्रक वाले जो गुलाबी वाले भाई लोग हैं उन लोगों के लिए क्या है दोस्तों कि जो जब उनके लिए एक लाइन बनी हुई है आखिरी में एक लाइन बनी हुई है उस लाइन पर उनको चलना है, अगर वो लोग ओवरटेक कर रहे हैं तो उस वक्त दरमियान भी उनके ऊपर मुखालफा आ सकता है और दोस्तों 1000 से लेकर 2000 तक मुखालफा आ सकता है। और यह बेहद ही निराशाजनक है, अगर किसी बंदे को मुखालफा आ जाती है तो वो तो उसका तो पूरे तनख्वाह ही चला जाएगा और अलग से जो भरना पड़ेगा वो अलग से दोस्तों। और अगर किसी तय में अगर एक्सीडेंट होता है तो दोस्तों बहुत ही बुरा हाल होगा। और दोस्तों अगर आप लोग गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट पे दोस्तों विशेष प्रकार से ध्यान दीजिए। अगर स्पीड लिमिट आपका अधिक है, जो स्पीड लिमिट फिक्स किया गया है उसके अगर नीचे है तब तो कोई दिक्कत नहीं, उससे अगर ऊपर है तो भी दोस्तों आप लोगों के लिए 150 से लेकर 500 रियाल तक का मुखालफा है। दोस्तों तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। दोस्तों मैं आप बताऊँ अगला दोस्तों जो आप लोग देखेंगे पार्किंग में जो डिसेबल पार्किंग होती है यानी जो विकलांग होते हैं उन लोगों के लिए पार्किंग होता है, तो बिल्कुल दोस्तों वहाँ तो आप लोग भूल कर भी पार्किंग ना करें। अगर आपकी गाड़ी वैसा नहीं है, आपके कफिल आपके साथ में कोई ऐसा बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, औरत नहीं है जो डिसेबल है, उसको तो आप वहां गाड़ी बिल्कुल ना लगाएं। अगर वहां गाड़ी लगाते हैं आप लोग तो मुखालफा आ सकता है और आपके लिए समस्या हो सकता है। दोस्तों तो दोस्तों अगर आप लोग सऊदी अरब में रहते हैं तो इस बात को ध्यान दें और कोई भी गलती ना करें। और दोस्तों मैं बताऊं आपको अगला जो रूल है, दोस्तों अगर आपके पास लाइसेंस है तो अच्छा, अगर लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस के बिना अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हैं तो उस वक्त अगर पुलिस आपको पकड़ेगा तो 1000 रियाल का मुखालफा आएगा, जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। और दूजा अगर एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त भी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों एक कुछ ज़रूरी और नए जो रूल निकले हैं मरूर की तरफ से सऊदी अरब के, मैंने आपको भी शेयर किया, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये खबर पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और उन लोगों
को बताइए कि आप लोगों को कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपको आने वाले समय में आपके लिए मुसीबत बड़ी मुसीबत हो जाएगी दोस्तों, तुम्हें तो अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरा हर एक आने वाला नया वीडियो मिलेगा सबसे पहले आपको। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए खबर पर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।